आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। आज हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर और फंक्शनल डिस्पेप्सिया बीमारी के बारे में। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये दोनों भी पेट की बीमारी है। आज कम से कम 10 से 15% लोग ऐसे हमारे आबादी में, पॉपुलेशन में, कि उनको पेट की बीमारी है। सब तरह की जांच करने के बाद में पेट में कुछ निकलता नहीं, मगर तकलीफ तो है। अब ये इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर जो है, इसमें लाखों लोग परेशान हैं, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं इसके बारे में। इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, जांच पड़ताल करो, दवाई खाओ, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं। और 10 से 15%, मतलब कितना बड़ा आंकड़ा है, इतने लोगों को ये बीमारी है। अब इरिटेबल बाउल में होता क्या है कि बाउल जो है, मतलब पाचन संस्था जो है, वो चिड़चिड़ी हो गई हो, चिड़चिड़ी हो गई। जैसा आदमी चिड़चिड़ा होता है, वैसे कोई चिड़चिड़ी होगी। कारण तो यही है, पिछले 3 महीने में यदि हर महीने, पिछले 3 महीने से हर महीने यदि कम से कम 3 दिन इसको ये पेट दर्द होता है या पेट के लक्षण होते हैं, तो समझना कि इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर है। इसमें लक्षण मेनली कौन से हैं कि लैट्रिन होने के बाद में अच्छा लगता है, रिलीव लगता है, और उसमें वो दिन भर जूझते रहता है कि लैट्रिन कब होंगे, लैट्रिन कब होंगे, उसमें विचार चालू रहते हैं। फिर लैट्रिन के बाद में अच्छा लगना, फिर लैट्रिन को काफ़ी बार जाना पड़ता है, ऐसा हो सकता है 3-4 बार थोड़ी थोड़ी लैट्रिन होती रहती है, या फिर लैट्रिन होती नहीं है। नेक्स्ट, लैट्रिन मतलब शौच जो है, स्टूल जो है शौच, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, कड़क हो जाता है, या कभी कभी बहुत पतला होता है। और जब कड़क होता है तो उसको बहुत परेशानी होती है, फिर अल्सर हो जाते हैं, फिशर्स होते हैं। और ये बीमारी में पेट में दर्द, छाती में जलन, पेट फूलना, फिर पेट जाम हो जाना, और पेट इतना फूल जाता है, ऐसा लगता है कि कितना बड़ा पेट हो गया इसका, ये व्यक्ति का। और ढकार देने के बाद में उसको अच्छा लगता है, या गैस पास होने के बाद में थोड़ा उसको अच्छा लगता है। खाना खाने की इच्छा नहीं होती, फिर वो थोड़ा सा खाना खा लेता है और दिन भर उसमें लगे रहता है। टोटल प्री ऑक्यूपेशन है, दिमाग में वही वही चलते रहता है कि पेट का प्रॉब्लम है। फिर वो काम पे जाता है, कभी जाता नहीं है। दिमाग में वे विचार होने से वो काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं करता। फिर उत्पादन क्षमता जो प्रोडक्टिविटी, वो कम हो जाती है। लोगों के ऊपर चिड़चिड़ापन, लोगों के साथ में रिश्ते नहीं बराबर, खाना टाइम पर नहीं खाना, पेट ठीक नहीं इसके वजह से, और फिर पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है इसका। तो ये हो गया इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर। और दूसरा है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो है, ये भी पेट की बीमारी है। इसमें खाना खाने के बाद में पेट बहुत ही फूल जाता है, ये मेन लक्षण है उसका, बहुत ही पेट फूल जाना। पेट में दर्द होता है, पेट में जलन है, अपचन होता है, और जी मचलाना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, फिर उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना कोई भी काम में, और पेट इतना फूल जाता है उसको लगता है कि कुछ तो भी बांधा हुआ है पेट के ऊपर। कभी कभी बहुत एसिडिटी होती है, जलन होना, एसिडिटी होना, कुछ खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग जाना, मगर खाया तो फिर और पेट फूल जाता है, इसलिए वो खाता ही नहीं है फिर। और एक बार लैट्रिन हो गई, गैसेस निकल गए, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर डॉक्टर उसको बोलते कि थोड़ा थोड़ा खाओ, क्योंकि खाना खाने में पेट फूल जाता है और बहुत तकलीफ होती है। सब तरह की जाँच करने के बाद में, एंडोस्कोपीज है, कोलोनोस्कोपीज है, गैस्ट्रोस्कोपी है, फोटो, अलग अलग तरह के एक्सरे निकाले, सोनोग्राफी किया, स्कैंस किया, ब्लड जांच किया, सब तरह की जांच करनी, उसमें निकलता कुछ भी नहीं है, मतलब परेशानी है। डॉक्टर बोलते कुछ भी नहीं है पेट में। अरे कुछ भी नहीं है फिर तकलीफ हो रही है ना, वो झूठ थोड़ी बोल रहा है। मगर डॉक्टर भी उसको बोलते नहीं कि साइकेट्रिस्ट की तरफ जाओ करके, क्योंकि डॉक्टर ने कभी बोला साइकेट्रिस्ट की तरफ जाओ तो बोलते हम क्या पागल हो गए कि हमको उसकी तरफ भेज रहे, इसलिए वो आते भी नहीं और वो डॉक्टर को बैन कर डालते, इसलिए वो अपना पेशेंट खो बैठेगा। इसलिए वो कभी फिजिशियन जो है किसके तरफ रेफर नहीं करता, क्योंकि उसने साइकेट्रिस्ट का नाम लिया तो वो पेशेंट भाग जाता। तो इसमें हम उसको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी दवाई देते हैं जो काम में आती है, और फिर पेट साफ करने की दवाई, गैसेस कम करने की दवाई वो देते हैं, मोटिलिटी जो है पाचन संस्था की जो मूवमेंट है, हलचल, वो बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं। मगर इससे आराम पड़ जाता है, मगर वो टेम्पररी आराम। परमानेंट इलाज जो है वो है दिमाग में, सोर्स दिमाग में। ये जो बीमारियां हैं ये साइकोसोमेटिक इलनेसेस है,
साइको मतलब साइकोलॉजिकल कॉज, मन का कॉज, सोमेटिक मतलब बॉडी। तो साइको में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है वो देखना पड़ता है। वहाँ हम काउंसिलिंग करते हैं, बचपन में कुछ लैंगिक अत्याचार हुआ, माँ बाप के साथ में कुछ तभी अनबन है, कुछ लोगों को माँ बाप के प्रति बहुत ही गुस्सा रहता है, बहुत गुस्सा कि उन्होंने मेरा अच्छा नहीं किया, पैसे के बारे में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्रंच है, सेक्स के बारे में प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता, यह व्यक्ति खुद के ऊपर भी प्यार नहीं करता, अपराधीपन की भावना रहती है, कुछ तो भी पास्ट में किया है उसमें अपराधीपन की भावना है उसके बारे में, या दिल दिमाग में खुन्नस है, बदला लेने की भावना है, खुन्नस है, रिवेंजफुल एटीट्यूड, या बहुत किसका तिरस्कार करना, द्वेष करना, वो भी दिमाग में रहता है। फिर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मेरे में कुछ तो भी कमी है, ऐसा दिमाग में रहना, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल दिमाग में कॉन्वर्जेशन चालू रहते हैं जिसकी वजह से उसको पेट का प्रॉब्लम होता है। हम काउंसिलिंग के द्वारे, फिर सम्मोहन, हिप्नोसिस, जिसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते, पास्ट लाइफ में चले जाओ और वहाँ कुछ हुआ क्या उसको याद दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, वहाँ से कॉज ढूंढ के निकालना, काउंसिलिंग करना, साइकोथेरेपी करना, दवाई देना, इससे व्यक्ति वो अच्छा हो जाता है और अच्छा जीवन जी सकता है। क्योंकि बहुत सारे करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के उसमें जा रहे हैं, करोड़ों मैन आवर्स उसमें खर्चा हो रहे, लाखों लोग परेशान हैं, तो इनका इलाज होना बहुत जरूरी है ताकि जीवन लोग अच्छा जी सकेंगे। आपके आजू बाजू में कितने सारे लोग होंगे, हजारों लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगा आप पूछेंगे तो, मगर लोग बोलते नहीं ना, किसके पास में जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास में। तो आप एक काम करना, मेरी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, आपके सभी ग्रुप के ऊपर शेयर करो, व्हाट्सएप के ग्रुप हो, फेसबुक के ग्रुप हो, सभी के ऊपर शेयर करो, ताकि लोग उनका जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ इलाज करेंगे, लोग हमको भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने इलाज, अपने बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये जरूर करना। मैं, हमारा जो लक्ष्य है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हम अलग अलग जगह जाते, भाषण करते, आप भी हमको कहीं बुला सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, वहाँ बुला लीजिए, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ बुला लो, ताकि लोगों को एजुकेट करके बीमारी से मुक्ति लोगों को हम दे सकेंगे। आपको वीडियो लगा तो आप जरूर शेयर करो, लाइक करो, आप जब लाइक करते हैं ना तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। बेल आइकॉन जाता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।